नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर जनपद मिर्जापुर से। शासन के मंशानुरूप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के क्रम में दिनांक 12 जुलाई 2024 को महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में कन्या जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजन महिला कल्याण विभाग मिर्जापुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्णकालिक सचिव विनय आर्या, अध्यक्ष प्रधानाचार्य माँ विद्वासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रभारी अधीक्षक मंडली अस्पताल डॉक्टर वंदना मौर्य, विभागाध्यक्ष आपसे एवं गायनो जिला महिला अस्पताल द्वारा नन्ही बच्चियों के हाथों से केक कटवाया गया। 45 बच्चियों को बधाई किट पत्र सहित बेबी किट, एक बेबी बेड सहित मां को सैनिटरी नैपकिन वितरण के साथ साथ बच्चों को जन्म पर बधाई देते हुए सभी को एक एक वृक्ष वितरण कर यह संदेश दिया गया कि जैसे अपने बिटिया का पालन पोषण करेंगे वैसे ही इस वृक्ष का पालन पोषण करेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ व शिक्षित बालिका ही कल स्वस्थ एवं शिक्षित माँ बनेगी। कार्यक्रम की संचालन कर रही जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम HEW के अंतर्गत 21 जून 2024 से 4 अक्टूबर 2024 तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान का कार्यक्रम के बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ थीम के अंतर्गत मातृत्व लाभ योजना द्वितीय सप्ताह थीम पर प्रकाश डालते हुए सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए अवगत कराया गया कि उनका पद एवं दायित्व जिला प्रोबेशन अधिकारी के साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी, जिला महिला संरक्षण अधिकारी आज से भी जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जिसमें 5,000 रुपये की धनराशि प्रथम प्रसव पर महिला को देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अप्रैल 2024 बढ़ाई गई है। योजना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एक महिला के एक या दो प्रसव होने तक ही इस योजना में 6 किस्तों में 25,000 रुपये बालिका के माता पिता या बालिग बालिका के खाते में धनराशि भेजा जाता है। इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। अब तक लगभग 25,000 बच्चियों को इस योजना से जोड़ा जा सका है। वहीं मिशन वात्सल्य के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना जिसमें माता पिता विहीन अनाथ बच्चे, वृक्षावृत्ति में संलिप्त, संरभ विभाग से रेस्क्यू बच्चे, बाल श्रम से मुक्त बच्चे, गंभीर रोग या लाइलाज बीमारी से ग्रसित परिवार के बच्चों को निराश्रित महिला के बच्चों के आदि के आवेदन उपरांत पात्र होने पर ही 4,000 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य एवं निराश्रित महिला पेंशन, सामूहिक विवाह योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। भारत सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत जनपद मिर्जापुर में संचालित महिला वन स्टॉप सेंटर में कार्य प्रणाली व दहेज उत्पीड़न संबंधित कानूनी केसों के सफलतापूर्वक निस्तारण की जानकारी दी गई। महिला कल्याण विभाग मिर्जापुर द्वारा दहेज प्रथा को समाप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए सभी को यह संदेश दिया गया कि दहेज लेना व देना दोनों अपराध है। जनपद मिर्जापुर को दहेज उत्पीड़न मुक्त बनाने पर बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी नर्स स्टाफ सहित अभिभावकगण व चाइल्ड लाइन व वन स्टाफ सेंटर के सभी कार्मिक उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पूर्णकालिक सचिव विनय आर्या एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी क्या संदेश दे रही है। मैं विनय आर्या यहाँ पे सचिव हूँ DLSA और आज हम लोग जिला महिला अस्पताल में कन्या जन्मोत्सव के उपलक्ष में उपस्थित आए हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को कन्या का उसी तरीके से लालन पालन करना चाहिए जैसे कि हम लोग किसी बेटे का करते हैं। किसी भी स्थिति में बेटियाँ जो हैं वो बेटे से कम नहीं हैं। अगर हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो बेटे से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर हमारे परिवार का साथ देती हैं। और इस जन्म उत्सव को जो है हम लोग एक तरीके से उत्सव की तरह ही मनाना चाहिए जैसे हम लोग और उत्सव मनाते हैं। बेटियाँ घर की लाज होती हैं, लक्ष्मी होती हैं और उनको हमें संवारना चाहिए। PCPNDT एक्ट के अंतर्गत जो कोई भी कन्या भ्रूण हत्या या फिर गर्भ में पल रहे किसी बच्चे की लिंग कुछ करता है या उसका जांच करवाता है तो उसको 1,00,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा ऐसा कोई भी परीक्षण ना कराएँ, क्योंकि बच्चा जो है चाहे वो कन्या हो या बेटा हो
भगवान की देन है, उसका लालन पालन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज ये कन्या जन्मोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो शासन की मंशा के अनुसार महीने में दो बार किया जाता है, पहले और तीसरे सोमवार को। आज ये जो कन्या जन्मोत्सव यहाँ पे किया गया है, जिसमें हमने 45 से 40 के ऊपर बच्चियों को हमने यहाँ पे उन्हें बेबी किट, बेबी बेड और माताओं को सैनिटरी पैड्स ये सारा वितरित किया है, उनको सारी योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। इन सभी बच्चियों को कन्या सुमंगला योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिसमें 6 चरणों में इनके अभिभावक के अकाउंट में 25,000 रुपये जाएंगे। और ये जो कन्या जन्मोत्सव का जो आप संदेश पूछ रहे हैं, इसका मेन संदेश लोगों की मानसिकता को बदलना है कि बधाई हो आपके घर में बेटी हुई है। हमने सभी को इसका बधाई पत्र भी उनके अभिभावक को दिया है, इसी कारण कि आपको बच्चियों के जो जन्म हुआ है उसको एक उत्सव की तरह आपको लेना है। जैसे आप लड़कों का आयोजन करते हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह बच्चियों के भी जो जन्म हुए हैं उनको भी सेलिब्रेट करें, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें, उन्हें पढ़ने का अवसर दें, क्योंकि सरकार बच्चियों महिलाओं के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक उनसे कदम से कदम मिला के अपनी योजनाओं के जरिए उनकी मदद कर रही है। जो घर में ही कन्याओं को खराब कर देते हैं, इनके लिए कानूनी प्रबंध क्या है? बिल्कुल, इसके लिए PCPNDT एक्ट है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत भी इसका मेन मकसद है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें बेटियों को बचाने के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएँ और विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी है, उन्हें डिफेंस से संबंधित है, चाहे उनका हमारा कन्या सुमंगला से संबंधित हो या विभिन्न योजनाओं, जैसे भी महिलाओं को उनका लाभ मिल सके उसके लिए कार्य किया जाता है। कुछ लोग कन्याओं को साड़ियों में फेंक देते हैं जैसे फायदा हमारे, तो उनके लिए क्या है सरकार द्वारा? बिल्कुल, आपने बहुत संवेदनशील प्रश्न किया है। इसके तहत आपको बताना चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर में इसकी बहुत ही बड़ी तादाद में हमें बच्चे प्राप्त होते हैं, जिसमें बच्चियों की संख्या ज़्यादा होती है, पर अभी 2-4 महीने से हमें लड़के भी प्राप्त हुए हैं जिनकी उम्र 1 दिन 2 दिन की थी। इसमें से कई बच्चियों के तो जानवर पैर खा गए, आधे ज़्यादा पैर खा गए, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ, जहरीले जानवरों के द्वारा उनको काटा गया। और ऐसे नवजात बच्चियों के लिए और ऐसे बच्चों के लिए पालना लगाया गया है, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी इसकी घोषणा करी थी कि प्रत्येक नगर पालिका में और ग्राम पंचायतों में इसको लगाया जाएगा, और जिलाधिकारी महोदया भी इसमें बहुत संवेदनशील हैं, वो भी इस पर कार्रवाई कर रही हैं, और इसमें बहुत ही जल्द आपको हर ग्राम में, हर ब्लॉक में और हर तहसील में एक पालना देखने को मिलेगा। जैसे भी जो अपने बच्चियों को अवांछित बच्चे हैं जिनको नहीं रखना चाहते, वो पालना में जरिए हम प्रशासन या जिला प्रोबेशन कार्यालय उन बच्चों को अपनी कस्टडी में रखता है, उसका संरक्षण करता है, उन्हें विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करता है।